आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर आधारित एक उदाहरण का हल किया था। आज इस वीडियो में हम बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर आधारित कुछ मिथ्या धारणाओं को देखेंगे। मानस, देखो ये घी का डिब्बा कितना छोटा है और ये घी का डिब्बा कितना ऊंचा है। जरूर इस ऊंचे डिब्बे में ज्यादा घी होगा। नहीं थॉमस, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस कम ऊंचाई वाले डिब्बे में कम घी और ज्यादा ऊंचाई वाले डिब्बे में ज्यादा घी हो। चलो मैं तुम्हें ये गणित के द्वारा समझाता हूँ। अरे वाह, इसका मतलब ये गणित का समय है। चलो थॉमस, हम जल्दी से इन डिब्बों की विमाएं नाप लें। तुम इस छोटी ऊंचाई वाले डिब्बे की विमा ज्ञात कर लो और मैं इस लंबी ऊंचाई वाले डिब्बे की विमा ज्ञात कर लेता हूँ। कप्तान थॉमस और मानस दोनों ने अपने अपने डिब्बों की विमाएं ज्ञात कर ली। मानस, दोनों डिब्बे बेलनाकार हैं। इस छोटी ऊंचाई वाले डिब्बे के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इस लंबी ऊंचाई वाले डिब्बे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। चलो अब हम सूत्र पुस्तिका में लिखे बेलन के आयतन के सूत्र की मदद लेकर इन दोनों डिब्बों के आयतन ज्ञात कर लें। दोस्तों, क्योंकि डिब्बे की मोटाई न के बराबर है, हम ये कह सकते हैं कि डिब्बे में रखे घी द्वारा घेरी गई जगह, जो उसकी क्षमता कैपेसिटी है, डिब्बे द्वारा घेरी गई जगह जो उसका आयतन वॉल्यूम है के बराबर है। अब क्या आप इन दोनों डिब्बों के आयतन ज्ञात कर सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। देखो थॉमस, इन तरहों से हल करने पर हम ये देख सकते हैं कि छोटी ऊंचाई और लंबी ऊंचाई वाले डिब्बों के आयतन बिल्कुल समान 1408 सेंटीमीटर घन हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा ऊंचाई वाले बेलन का आयतन कम ऊंचे बेलन से हमेशा अधिक हो। अब मैं समझ गया कि किसी भी बेलन का आयतन उसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है। चलो अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चलें। मुझे घी का डिब्बा खरीद कर घर भी जाना है। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। थॉमस ने घी का डिब्बा खरीद लिया और दोनों दोस्त अपने अपने घर लौट गए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर आधारित कुछ मिथ्या धारणाओं को देखा, तो उम्मीद है कि अब आपको बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अच्छी समझ हो गई होगी।